अक्षय कुमार से मुंबई में मिलने के लिए यूपी से हरेंद्र गुप्ता साइकिल से निकले हैं, जो आज 10 दिन बाद 900 किलोमीटर का सफर करके नागपुर पहुंचे हैं। नागप्यार में उनका नागप्यार के दोस्तों ने स्वागत किया है। हरेंद्र अब नागप्यार से अक्षय कुमार से मिलने मुंबई की ओर रवाना हुए हैं। पेश है हमारे संवाददाता संजय मेरे इनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट मिलने की चाह में, आइए देखते हैं। नागपुर के जीरो माइल से 950 किलोमीटर के दूरी पर आने वाले उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिला के गांव सरेया बलरामपुर के रहने वाले हरेंद्र गुप्ता यूपी से साइकिल पर सवार होकर नागपुर पहुंचे हैं। हरेंद्र अब नागपुर से मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं। हरेंद्र मुंबई जाकर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से मिलना चाहते हैं। मिलने की वजह पूछे जाने पर हरेंद्र कहते हैं कि अक्षय कुमार एक बढ़िया कलाकार के साथ साथ बेहतरीन इंसान है। अक्षय कुमार हर किसी की मदद करते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं चाहता हूँ कि अक्षय कुमार मेरी मदद करे। हरेंद्र के तीन बहनें और माता पिता है। हरेंद्र के पिता गांव में रिक्शा चलाते हैं, जो भी पैसे मिलते हैं उसमें परिवार का गुजर बसर करते हैं। 10वीं पास हरेंद्र गांव में बेलदारी का काम करते हैं। मुंबई जाने के लिए हरेंद्र 11 सितंबर को घर से साइकिल पर सवार होकर निकले, जो 19 सितंबर को नागपुर में पहुंचे। नागपुर पहुंचते ही शहर के युवा साथियों ने हरेंद्र का स्वागत किया। सफर के दौरान हरेंद्र रोजाना कभी 100, 150 से लेकर 200 किलोमीटर तक का सफर लगातार करते हैं। बीच बीच में थोड़ा आराम भी करते हुए फिर आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। नागपुर से मुंबई तक का 900 किलोमीटर का सफर अभी और भी तय करना है। नागपुर आने पर दोस्तों ने फूलों की पंखड़ियों से हरेंद्र गुप्ता का स्वागत किया। मंजिल पाने की जिसे चाहत है उसके इरादे मजबूत होते हैं। हरेंद्र गुप्ता के हौसले भी बुलंद है। अक्षय कुमार से मिलने के लिए जिस साइकिल से हरेंद्र सफर कर रहे हैं वो हरेंद्र की नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने यूपी के दोस्त को रिक्वेस्ट करके मांगा है। इस पूरे सफर के बारे में बीसीएन समक्ष हरेंद्र गुप्ता ने जानकारी दी। कौन कहता कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ करने की यदि चाहत रही तो वो मुकाम हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके लिए करने का काम होना चाहिए। और ये जो जज्बा है ये यूपी के उस नौजवान साथी में है जिसका नाम है हरेंद्र गुप्ता। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं। हरेंद्र गुप्ता एक ऐसे गरीब परिवार से बिलोंग करता है, गांव का रहने वाला है, जिसके माता पिता जो है रिक्शा चलाते हैं और काफ़ी माली हालत है। ऐसे में वो निकला है मुंबई के अपने सफ़र के लिए, यूपी से निकला, नागपुर आया। नागपुर का 900 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अब हरेंद्र सीधा निकलने जा रहा है मुंबई की ओर, जहाँ पर अक्षय कुमार जो कि फिल्म स्टार है उनसे मिलना चाहता है। आइए, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते ये वही साइकिल है जिस साइकिल से वो सफ़र तय कर रहे हैं। हम सीधा रुक करेंगे उनके कुछ दोस्त यहाँ पे, उनसे। सर, आप बताइए कि हरेंद्र जब नागपुर पहुँचे कैसा महसूस कर रहे हो, क्या कहना चाहते हो? मुझे तो बहुत शौक हुआ, मुझे जब पता चला कि हरेंद्र गुप्ता जी यहाँ पे साइकिल से 900 किलोमीटर की दूरी पार करके आए हैं। मैंने उनका बहुत स्वागत किया, अपने भाई दोस्तों को बताया, दोस्तों भी अचंभित रह गए और मुझे बहुत खुश हुई। मेरे को जब मालूम पड़ा हरेंद्र गुप्ता यूपी से नागपुर आ रहे हैं तो मैंने बोला आ जाओ मेरे पास। आए, बहुत खुशी की बात है, आए इतने दूर सफ़र तय करके, 950 किलोमीटर का सफ़र तय करके साइकिल से आए। हम लोग बहुत खुश हुए, बहुत उनका स्वागत किए। ये मुंबई जाने वाले हैं, मुंबई जाने वाले हैं यूपी से नागपुर, नागपुर से मुंबई जाने, कल निकलने वाले हैं मुंबई के लिए। बिल्कुल, तो जैसे कि इनके दोस्तों ने कहा कि वे यूपी से आए हुए हैं, नागपुर आए, इनका काफ़ी अच्छा सम्मान स्वागत किया गया। और भी कुछ दोस्त लोग हैं उनके, उनसे पूछना चाहेंगे। सर, आप बताएं क्या कहना चाहते हो? मुझे भी जब पता नहीं चला कि हरेंद्र गुप्ता आ रहे हैं यूपी से अक्षय कुमार से मिलने के लिए, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। बस, और उसके लिए फिर हम लोगों ने इनका अरेंजमेंट किया इस इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि हौसले बुलंद होना चाहिए। अब हम सीधा रुक करना चाहेंगे इस समय में। हमारे साथ में जो इस सफ़र के लिए निकल चुका है
ऐसे नौजवान साथी यूपी से जो नागपुर हाल ही में पहुंचे हैं, हरेंद्र गुप्ता इस समय हमारे साथ में, उनसे जाना चाहेंगे। हरेन, ये बताइए कि जिस तरह से आज आप इतना 900 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय किया है और 900 किलोमीटर आगे भी आपको करना है, आपके जहन में ये बात कैसे आई कि आपको मुंबई ही जाना है और अक्षय कुमार से मिलना है? आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों निकले आप घर से? हमारे घर की जो स्थिति है वो अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब है, और अक्षय कुमार सर जो हैं वो सबकी मदद करते हैं, इसलिए मैं एक बार वीडियो देखा था, अक्षय कुमार सबकी मदद करते हैं, उसके लिए मैं मूड बना लिया कि हमको अक्षय कुमार से मिलना है, अपनी बात रखना है उनको अक्षय कुमार से। हम वो अक्षय कुमार का हम बहुत बड़े फैन हैं। हरेन जी, ये बताए कि जब आप ये जो सफ़र तय कर रहे थे तो क्या लगातार साइकिल चला रहे थे या कहीं आपने कहीं आराम फरमाया है या कोई दिक्कत कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? रास्ते में तो दिक्कत बहुत पड़ा हमको, पहले तो हम तो रास्ता ही भटक गए थे जी, 40 किलोमीटर रास्ता भटक गए थे। उसके बाद मैं सबसे पूछना स्टार्ट किया, एक नहीं दो नहीं चार पांच लोगों से पूछते पूछते पहुंचा जबलपुर। जबलपुर से मैं जब बीएमपी पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे वहाँ पे हमको बहुत दिक्कत हो गया, बहुत कड़क धूप थी, पहाड़ पे चढ़ना था 10 किलोमीटर ऊपर, साइकिल पैदल ही जाएगी उस पर, चला के नहीं जा सकते थे। दो घंटे का सफ़र में, 10 किलोमीटर का सफ़र 2 घंटे में पूरा किया मैं उसको। यदि किसी को 900 किलोमीटर जाने के लिए बोले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, मगर जुनून एक ऐसी बात होती है कि वे हर मुकाम को हासिल कर सकती है, बशर्ते दिल में एक चाहत होना चाहिए। और सर, ये बताइए कि जिस तरह ये जो आप साइकिल जो दिखाई दे रही है, क्या ये आपकी खुद की है? नहीं सर, साइकिल हमारी नहीं, हमारे पास तो खुद की साइकिल है ही नहीं है, वो तो मैं हमारे पड़ोस में एक मतलब एक भाभी रखते भैया रखते हैं, उनका साइकिल हम मांग के आ रहे हैं साइकिल से। अक्षय कुमार साहब से जब आप मिलोगे तो उन्हें क्या कहना चाहोगे? अक्षय कुमार सर से हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब हमारी जो स्थिति घर की वो बहुत ख़राब है, हमारी अगर थोड़ा मदद कर देंगे तो अच्छा रहेगा, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। क्या नाम है आपका? हरेंद्र गुप्ता। तो आप थे हरेंद्र गुप्ता जिन्होंने बखबीर बेबा के साथ बात करते हुए ये बताया कि किस तरह से वे मुंबई में अक्षय कुमार से मिलना चाहते हैं और अक्षय कुमार से ये काफ़ी सहयोग मदद की आशाएं रखते हैं। देखना ये होगा कि जब वे मुंबई पहुंचेंगे तो क्या अक्षय कुमार इनकी मदद करेगा, क्योंकि अक्षय कुमार का एक काफ़ी अच्छा नाम है, काफ़ी अच्छा कामकाज है, ऐसे में लोगों की निगाहें अब पूरे देश की निगाहें इस सफ़र के दौरान निकले हुए नौजवान साथियों पे टिकी है। अक्षय कुमार इन्हें मदद करें। अक्षय कुमार के साथ साथ जो लोग बीच में इन्हें मिलते हैं उनसे भी ये गुजारिश करते हैं कि वे भी इनकी मदद करें, क्योंकि इनकी परिस्थिति काफ़ी कमज़ोर है और माली हालत इनकी घर की है, ऐसे में अपने परिवार का गुजर बसर हो, अपने पाँव पे खड़ा होना हो या अपने को कुछ अच्छा करना हो, इसके लिए एक जो शक्ति जो चाहिए, एक ताकत चाहिए, वो हरेन गुप्ता में है। और हरेन गुप्ता इतने किलोमीटर का सफ़र तय करने के बावजूद भी उनके चेहरे पे कई गम या कभी दुख नहीं दिखा गया, ताजगी दिखाई दी गई है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि वे दिल से अक्षय कुमार से मिलना चाहते हैं। अब देखना ये होगा क्या अक्षय कुमार इनकी मदद करते हैं, इनको बढ़ावा देते हैं, इनका सपना कब साकार होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि करने वालों के लिए उजाला होता है, ना करने वालों के लिए अंधेरा होता है। हरेन गुप्ता कि ये जो कदम है ये उजाले की ओर हुए हैं, BCN परिवार की ओर से हम उन्हें से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। नागपुर से संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।